हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। बहुत रैंडमली मैं ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोग को अपडेट करना बहुत जरूरी है कि एग्जैक्टली मेरे लाइफ में क्या चल रहा है। हाय जेनेथ। ओके, तो यहाँ पे हम दोनों आए हैं बताने के लिए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो आपको अभी रिसेंटली दिख रहा होगा गाइस कि मैं बहुत ज्यादा डेकोर एंड डीआईवाई वीडियोस नहीं शेयर कर पा रही हूँ। मेरे पास जो भी कंटेंट रेडी है वही सारे मैं शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरा लैपटॉप कहाँ गया, मेरा लैपटॉप, मेरा ये जो मैकबुक एयर है जिससे मैं सारा एडिटिंग करती थी, ये क्रैश हो गया है और ये मेरे गलती के वजह से ही क्रैश हुआ क्या है। किया तुमने, क्या किया बोलो। तो 12 सितंबर को हाउस ऑफ ड्रैगन्स, अगर आपको पता है, आप हॉटस्टार में देखते हो, तो हाउस ऑफ ड्रैगन्स आ रहा था और मैं एक दूसरा कुछ डीआईवाई कर रही थी। डीआईवाई में मैं फेविकॉल का यूज कर रही थी, तो अचानक से मेरा लैपटॉप ऑफ हो गया। तो दिमाग में क्या, मैं सोच रही हूँ कि चार्ज तो था, फिर कैसे ऑफ हो गया। तो तब मैंने कीबोर्ड में देखा कि मेरा फेविकॉल का जो डब्बा है वो पूरा ऐसे टिल्ट होके फेविकॉल बह रहा है। बट देन ऑल्सो, मतलब मैं सोच रही थी कि नहीं 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 ये चार्ज के वजह से हो रहा होगा, फेविकॉल थोड़ा बहुत गिरा होगा। मैं तुरंत ही क्लीन करना स्टार्ट की, चार्ज भी नहीं हो रहा था। मैं उस समय थोड़ा सा हिंट आ गया कि ये मेरा मदरबोर्ड गया है पूरा फेविकॉल के वजह से, शायद शॉर्ट सर्किट हो गया है। पूरा एक डब्बा फेविकॉल वेस्ट। अरे ठीक है, हाँ फेविकॉल की पड़ी है, यहाँ मेरा लैपटॉप गया। उस समय इतनी पैनिकनेस हुई कि मैं पहले गई एप्पल स्टोर जहां से मैंने अपना फोन लिया था जिसे मैं ब्लॉक कर रही हूँ बाय द वे, तो वहां पे गई तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे सर्विसिंग नहीं होता है, देयर इज अनदर स्टोर, वहां पे जाके आपको दिखाना पड़ेगा। एंड जैसे मैंने वहां पे दिखाया ना, तभी भी फेविकॉल अंदर से बह रहा था। इट वाज सो, मतलब अजीब लग रहा था कि मैं बोल रही हूँ कि मैंने ही फेविकॉल डाल के ये लैपटॉप को खराब कर दिया है। बट देन दे सेड कि 2 दिन लगेगा, तभी हम आपको बता सकते हैं कि इसमें क्या खराब हुई है एंड क्या खर्चा बैठने वाला है। एंड मंडे को हमने दिया, वेनेसडे को अराउंड 11 और 12 o'clock में कॉल आता है कि मैम और आपका मदरबोर्ड गया है जिसमें आपको 36,000 का खर्चा बैठेगा। एंड ऑलरेडी सर्विसिंग के लिए हम लोग 3,000 दे चुके थे जब हमने लैपटॉप दिया, तो ऑलमोस्ट 40,000 का खर्चा मेरे मैकबुक एयर में लगेगा जो मैंने, और वो लोग फेविकॉल भी वापस नहीं दे रहे थे। और फिर मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था एंड पैसे 40,000 लगाने का भी कुछ मतलब नहीं था क्योंकि उन लोग वारंटी भी नहीं दे रहे थे। वारंटी उन लोग बस 3 महीने का ही दे रहे थे, जो कम्प्लीटली मतलब सेंस नहीं बनता है। एंड लैपटॉप तो जरूरत है। फिर हम लोग गए सर्च किए कि नया लैपटॉप कौन सा है, लेना पड़ेगा क्योंकि काम तो करना है। अब मेरे को ऑलमोस्ट 1 लाख से ऊपर का खर्चा बैठ रहा है नया लैपटॉप लेने का। एंड मैं आपको क्या बताऊँ, इतने मतलब अभी तो फोन लिया था यार, मतलब मैंने जुलाई में फोन लिया है एंड अभी ये लैपटॉप। हाँ मेरे को लैपटॉप लेना था, मैकबुक प्रो को अपडेट। तुम लैपटॉप को तुमने रिप्लेस कर दिया, फेविकॉल को कौन रिप्लेस करेगा? फेविकॉल वापस चाहिए। अरे ले लेना, बड़ा डब्बा मैंने ले आया है। नहीं, मेरे को मेरा फेविकॉल वापस चाहिए। इसको खाली अपनी फेविकॉल की पड़ी है, नॉट टंकी। तो क्या मैं बोल रही थी, हाँ मेरे को मैकबुक प्रो में अपडेट करना तो था, बट इतना जल्दी हो जाएगा, मतलब फोन और मैकबुक दोनों एक साथ का बिल मेरे ऊपर पड़ जाएगा, नहीं पता था। अभी बहुत लंबा खर्चा बैठ रहा है। बट एनीवेज, दैट्स द अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी गाइस। इसीलिए मैं एडिटिंग नहीं कर पा रही हूँ, मैं मतलब मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा है कि मैं कोई DIY शूट करूँ या फिर डेकोर वीडियो आपके साथ शेयर करूँ। सो गाइस, अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ एंड जा रहे हैं हमारा नया लैपटॉप लेने। सच बताओ, इतनी अंदरूनी खुशी तो नहीं हो रही है क्योंकि अनएक्सपेक्टेड टाइम में ले रहे हैं, बट ठीक है, कभी ना कभी लेना था तो अभी जा रहे हैं। तो यस, वी आर रेडी और हम लोग स्कूटी में जा रहे हैं क्योंकि ट्रैफिक को अवॉइड करना बहुत जरूरी है। फाइनली वी आर गेटिंग आवर माय लैपटॉप। हां, मेरे फेविकॉल का क्या हुआ, मुझे फेविकॉल वापस। तुम खाली फेविकॉल के पड़े रहो, फेविकॉल का फैमिली पैक है मेरे पास। फैमिली पैक का क्या है, तुम्हारा लैपटॉप आया है, बेटर लैपटॉप आ रहा है, फेविकॉल कौन रिप्लेस करेगा? मेरे को फेविकॉल का वारंटी चाहिए। बकवास जोक्स मारते हो ना तुम। अभी ये वेट करते करते बोर हो रही है तो बैटरी प्रूफ नहीं जाके रही। देखो इसको, हमारा लैपटॉप आ ही नहीं रहा। लैपटॉप खरीदने आया कि फ्रूट निंजा खेलने आया?
दो सेब दो अनार और एक पाइनएप्पल तोड़ दिया है, बहुत खुश हो गए। कोई उम्मीद नहीं है मुझे तुमसे। नहीं नहीं अब मैं सब ऑर्गेनाइज कर रही हूं। एयर कहाँ, एयर का डब्बा बड़ा था, इसका थोड़ा छोटा है। तो दिस वाज माय न्यू लैपटॉप। ये लैपटॉप का कवर है, मतलब मैकबुक प्रो मैंने लिया है, M2 चिप वाला, 8GB रैम एंड 256GB स्टोरेज। हाँ स्टोरेज, हाँ एयर ज्यादा स्लिक था बट बहुत टाइनी है। मतलब मेरा एयर कहाँ रखा है मैंने, वहां रखा होगा, उससे तो ये काफी छोटू सा है। एंड द कलर आई लव। पहले तो जब हम लोग बुकिंग करने गए थे ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग इतने ज्यादा पैनिक मोड में थे कि हमने कलर ही डिसाइड नहीं किया था कि सिल्वर लेना है या ग्रे लेना है। दिस इज आई गेस ग्रे ना। अभी से हम ऑन करते हैं अपना जो भी एप्पल आईडी है उसे लगाते हैं। एंड थोड़ा बहुत तो वहां पे स्टोर में ऑन हो गया था तो वहीं पे ही छोड़ा हुआ है। गोवा में रहने से ना यही होता है, ये सारे कीड़े सेंटीपेड्स मिलीपेड्स ये सब ना घर के अंदर आते ही रहते हैं। अब मेरे को इसको निकालना है। गोवा में रहना इतना इजी नहीं है गाइस, दिखता बहुत सुंदर है बट ये सारे वाइल्ड लाइफ ना आपके घर में घुसते ही रहते हैं। मेरे घर में सेंटीपेड्स मिलीपेड्स आते ही रहते हैं। बट दिस इज नेक्स्ट डे गाइस, कल हम लोग लैपटॉप लेके आए एंड उसके बाद घर में मैंने थोड़ा बहुत अपना एप्पल आईडी जो था वो मतलब लॉग इन कर दिया एंड उसके बाद मैं कुछ नहीं की। मतलब मेरे को ऐसा फील हो रहा है जैसे जैसे उम्र होते जाती है ना, आपका वो एक्साइटमेंट लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है। गैजेट्स लेने का एक्साइटमेंट रहता है एंड जब वो आ जाता है ना, आई डोंट नो, फोन के टाइम में भी यही हुआ। आई वॉज सो हैप्पी एंड एक्साइटेड बट देन आने के बाद ना, हाँ ठीक है फोन ही तो है, ऐसा टाइप का फील होता है। अब समझ में आ रहा है उम्र हो गई है मेरी। बट यस, कल हम लोग ने लैपटॉप ले लिया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा लैपटॉप नया वाला कैसा दिख रहा है। एंड हियर इज माय टू लैपटॉप। ओके, तो आपको मैं जैसे बताई बहुत ही गंदा सेट मैंने किया था, बाय द वे ट्यूबलाइट वगैरह दिख रहा था बट पीछे का मैस जैसा मैंने बताया प्लीज इग्नोर। वो फेस्टिव कंटेंट का डेकोरेशन का फेस चल रहा है, धीरे धीरे मैं फिगर आउट कर रही हूँ कि कैसे मैं सजाऊंगी। बट यस, दिस इज माय ओल्ड लैपटॉप जो बहुत ही अच्छा था। मेरे ही गलती के वजह से ये ठीक नहीं हो पाया बट एनीवेज मैं कुछ दिनों बाद इसको ठीक ज़रूर करूँगी एंड इसको यूज़ करूँगी। ऐसे ही मैं इसे रख नहीं सकती हूँ बिकॉज इसमें ऐसे कुछ मेरे एडिटिंग के चीज़ें हैं जो मेरे ये लैपटॉप में नहीं है ये, और मैं इसका डाटा रिकवर नहीं कर पाई क्योंकि इसका मदरबोर्ड ही उड़ गया है एंड उन्होंने कहा कि डाटा ट्रांसफ़र भी नहीं हो सकता है, जो विच इज़ काइंड ऑफ सैड क्योंकि मेरे को वापस से सारा चीज़ इंस्टॉल और यू मतलब वापस से डाउनलोड करना पड़ेगा। बट एनीवेज दिस इज, थोड़ा सा साफ कर देती हूँ, विस्की के बाल है। सो दिस इज माई न्यू लैपटॉप। ये इसका जो कलर है ग्रे है, साइजेस में आपको भी पता चलेगा ये थोड़ा सा छोटा है जबकि ज्यादा एक्सपेंसिव है एंड ये थोड़ा सा बड़ा है पर स्क्रीन साइज सेम है। जो साइड का बॉर्डर होता है ना वो थोड़ा इसमें कम है एंड ये मेरा नया लैपटॉप कुछ इस तरह से दिख रहा है। नाउ आई कैन फाइनली से कि अभी से आपको मेरे नए कॉन्टेंट फेस्टिव कॉन्टेंट आने लगेंगे। आई नो मेरे को ना जो भी मेरे प्री रिकॉर्डेड वीडियोस थे उसी को ही मैं अपलोड कर रही थी एंड सबके ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि वी रियली मिस योर DIYs और डेकोर रिलेटेड वीडियोस। बट यही था रीज़न कि मैं नहीं पोस्ट कर पा रही थी क्योंकि मेरे पास लैपटॉप नहीं था जिसमें मैं बैठ के एडिटिंग करूं और फोन सॉरी कैमरा के SD कार्ड से मोबाइल में ट्रांसफ़र करके मोबाइल में एडिट करना बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था क्योंकि मेरी जो वीडियो है वो SD क्वालिटी की होती है। ट्रांसफ़र करने में भी कोई आ गया, जस्ट अ सेकेंड गाइज।
आई एम बैक। सो मैं बता रही थी कि यही रीजन था मैं वीडियो एडिटिंग नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरे को कैमरा के चिप से ट्रांसफर करना मोबाइल पे एंड मोबाइल पे एडिट करना ना बहुत मुश्किल हो रहा था गाइज, वो पॉसिबल नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरी जो वीडियो की क्वालिटी है HD की होती है एंड उसमें बहुत ज्यादा स्पेस लेता है, मतलब मेरा एक एक वीडियो जो क्लिप होता है ना वो 5 से 6 GB का होता है, उसे ट्रांसफर करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है। जो एडिटिंग वगैरह करते हो उनको समझ में आ रहा होगा, बट यस नाउ आई कैन फाइनली से कि फेस्टिव कंटेंट आने वाले हैं, पूरा घर का ही मैं एक एक करके मेकओवर करते रहूंगी एंड DIY कंटेंट्स भी आने वाले हैं। सो यस आई एम एक्साइटेड फॉर दैट। ये एक छोटा सा व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी ताकि मैं क्विकली आपको अपडेट कर पाऊँ। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिए बाय एंड टेक केयर।